अस्सलाम वालेकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहनों, आज हम एक्सप्लोर करने निकले हैं इस फार्मर मार्केट को, जो क्वींस के एरिया और नॉर्थन बुलेवार्ड पे है। ये मार्केट सिर्फ इसी जगह नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ औकात में ऐसी मार्केट्स लगती रहती हैं। और ये मार्केट्स इसलिए होती हैं ताकि लोग अच्छी ऑर्गेनिक घर की बनी हुई किसानों की खुद बनाई हुई चीज़ें डायरेक्ट लोगों तक पहुंच सकें और वो उनको ख़रीद सकें। इसके साथ साथ उन लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिनकी आमदनी लो होती है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिलती है अपनी डेली की वीकली ग्रोसरी बाय करने के लिए पैसों की, लेकिन वो पैसे डायरेक्ट लोगों के हाथ में नहीं पहुँचाते, बल्कि एक कार्ड उनको दिया जाता है और मंथली उसमें पैसे आ जाते हैं उनकी फैमिली के साइज़ के हिसाब से, जिसको EBT कहा जाता है। तो वो लोग भी इन फार्मर्स मार्केट में अपना वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कार्ड चूज़ कर सकते हैं, इसकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हमारे साथ रहिए और इस मार्केट की सैर कीजिए। जब वो वाला काउंटर आएगा कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। Guys. That's okay. Okay. आज हम फार्मर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं क्वींस में। अभी हमने देखा बटर और मिल्क का स्टॉल। अब ये जो लेडी हैं, ये स्पेशल ऑर्गेनिक एग्स सेल कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ एग्स आर दीज एंड दीज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रीन एग एंड दिस ब्राउन एग? Take your time. This is the chicken corn chili. Okay. And the brown one, the regular organic egg? Yep. Price is same for both? The natural eggs. Okay. Thank you. You're welcome. I have a dozen large. Yeah. Okay.
7 a.m. when I was trying to get here from Manhattan. I wasn't too happy. Oh, sorry. You were cursing us at that time. Yeah. Had a few closures. I wasn't cursing there. You. I was actually cursing myself for thinking I could go that way. Oh, yeah. I was trying to get to the Queensboro Bridge. You know? I was like, oh, that was so dumb. जी हम अपने फेवरेट वेजिटेबल के स्टॉल पर आ गए हैं, जहाँ देखिए आपको हर तरह की वेजिटेबल फ्रेश ऑर्गेनिक मिलेगी, रिसेंटली बिक्री हुई फॉर्म से। ये आपको वो कुछ मिट्टी लगी हुई, कुछ गंदा भी लगेगा, लेकिन क्योंकि उनको अभी पिक किया गया है इसलिए ऐसा लगता है। $4 bunch, Swiss chard $5 bunch, लेकिन fresh है organic, इसलिए कितनी green और हरी भरी नजर आ रही है। ये फ्रूट का स्टॉल है और इन्होंने काफ़ी सारे किस्म के खाली एप्पल रखे हैं। लगता है ये सिर्फ एप्पल ही सेल करते हैं, क्योंकि एप्पल जूस है, एप्पल विनेगर है और हर तरह का एप्पल बनाते हैं। कामों के लिए मुख्तलिफ एप्पल चूज़ किए जाते हैं, जैसे बेक के लिए डिफरेंट, सैलड के लिए डिफरेंट, फ्रेश खाने के लिए डिफरेंट, और जो एप्पल साइडर विनेगर बनाना हो तो उसके लिए डिफरेंट। लेकिन अगर आप एप्पल नहीं पीना चाहते हैं तो किसी भी किस्म का एप्पल तो आप उसका छिलका यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ही मज़ेदार चाय बनती है। आई रियली लव दैट टी। एप्पल के छिलके को पानी गर्म करें, एप्पल का छिलका उसमें डालें, शुगर या हनी ऐड करें, दो इलायची डालें, 10 मिनट के बाद थोड़ा और उसमें गर्म पानी डाल लें, क्योंकि 10 मिनट में वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। देन एंजॉय दैट टी। क्या खूबसूरत एप्पल की खुशबू आएगी, इलायची की खुशबू आएगी। जो रेगुलर चाय है उससे आपकी जान छूटेगी और खर्चा भी कम होगा। ये फार्मर मार्केट जो है वो स्पेशल जिन लोगों की इनकम लो होती है उनको सपोर्ट करने के लिए लगाई जाती है। जैसा कि ये साइन आप अपने सामने देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको जो कार्ड दिया हुआ है अपनी फीस की अदाई करने के लिए आपको कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लोग वो कार्ड इनके पास लेकर आते हैं और सपोज $10 जितने का वो चाहते हैं शॉपिंग करना, वो कार्ड आदमी चार्ज करता है और उनको कुछ पानी और वो उसके मुताबिक आगे जाके ग्रोसरी करते हैं, क्योंकि इस कार्ड को स्वाइप करने के लिए हर काउंटर पे उन्होंने मशीन नहीं रखी है, सिर्फ इसी आदमी के पास वो मशीन आपको उसके मुताबिक पानी देता है और आप जाके मार्केट इज हेल्पफुल फॉर लो इनकम पीपल। एंड मोस्टली द पीपल कम्स विद द EBT कार्ड and the OTC card. OTC card is also, you can use it here. Yeah, it's the, we take Health First and Humana. Okay. It's this one right here. Okay. Not the OTC, the over-the-counter, the Wellcare one, you cannot use that one. Mm-hmm. Exactly. The Wellcare, you can use it here. Only Health First and Humana. Humana. Okay. We went with him.
gotta be a number. Estas son gorditas. You got a dollar around there, Tony? तो ये क्योंकि स्पेनिश एरिया है, नेबरहुड स्पेनिश है, इसलिए यहाँ ये स्पेनिश जो है वो लंच जो है खूब सेल हो रहा है. कॉफ़ी, पैनकेक टाइप समथिंग, बॉयल कॉर्न और भी बहुत कुछ है. बट शाह है हमारा बेकरी का स्टाफ, ये भी उन्होंने घर पे होम मेड बेक किया हुआ है. सब सामान क्लेम तो चेक करते हैं और इसलिए थोड़ा सा प्राइस के लिहाज से एक्सपेंसिव होता है. साइज में चीज़ें छोटी होती हैं और प्राइस में थोड़ा ऊँचा होता है, लेकिन फ्रेशली दो चार दिन पहले का बना हुआ नहीं होता. जिस दिन जो मार्केट लगती है उसी दिन या उसी रात को उन्होंने से सब सामान तैयार किया होता है. Oh, we got an olive oil.